Hello dear friends, welcome to EduMantra. My name is Alifia and today we're going to study about the Geography Chapter 2 of Grade 10th, which is Forest and Wildlife Resources. अगर हम अपने आस पास देखें तो हमें कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स दिखे जा सकते हैं. हमारे साथ इस धरती पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस एक साथ रहते हैं. इन ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती है, यानी कि कोडिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए. इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखें ताकि हम अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकें. फॉर एग्जांपल, आपको पता ही होगा प्लांट्स एंड ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द एयर. तो आप ही सोचिए, अगर इनकी पॉपुलेशन, इनकी क्वान्टिटी कम हो गई तो वॉट विल हैपन टू द क्वालिटी ऑफ द एयर. नाउ दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू वेरियस सेक्शंस. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फौना का मतलब होता है एनिमल्स. इंडिया इज सेट टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. यहाँ पे 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना पाई जाती है. इन फ्लोरा और फौना की एक्सटिंक्शन बहुत ही करीब है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेटिव एंड नेचुरल कंजर्वेशन ने इस फ्लोरा और फौना की स्पीशीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. आइए देखते हैं ये कौन सी है. द फर्स्ट वन इज़ अ नॉर्मल स्पीशीज. ये वो स्पीशीज है जो बहुत ही ईजिली दिखे जा सकते हैं. इनकी एग्जिस्टेंस बहुत ही ईजी है और ये ईजिली एक्सटिंक्ट नहीं होते, जैसे कि कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज़ दी एंडेंजर्ड स्पीशीज. ये वो स्पीशीज़ है जिनका लिविंग एग्जिस्टेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट है. अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकते हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको बचा के रखा जाए. द नेक्स्ट वन इज़ अ वल्नरेबल स्पीशीज़. वल्नरेबल स्पीशीज़ वो होते हैं जो बहुत ही ईजिली ख़त्म हो सकते हैं अगर उनकी प्रिजर्वेशन ना की गई तो, जैसे कि क्रोकोडाइल, टाइगर्स, वन हॉर्न राइनोस एक्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज अ रेयर स्पीशीज. नाउ रेयर स्पीशीज आर दोज हुज पॉपुलेशन इज वेरी लेस. इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, ये ज़्यादा तादाद में नहीं पाए जा सकते. तो इसलिए ज़रूरी है कि इनकी प्रिजर्वेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाए ताकि वो वल्नरेबल या एंडेंजर स्पीशीज की कैटेगरी में ना आए. द नेक्स्ट वन इज द एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज वो है जो सब जगह नहीं पाए जा सकते. दीज आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरियाज ओनली. उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स. द लास्ट वन इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ये वो स्पीशीज है जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अब नहीं पाए जाते. द फेमस एग्जाम्पल वुड बी डायनासोर्स. डायनासोर्स अब धरती पे नहीं दिखाई दे सकते. सो दीज आर दी एक्सटिंक्ट स्पीशीज. तो अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन कॉज ना किए गए तो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज ये सारे बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. देर आर मैनी सेवरल नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू दीज एक्सटिंक्शंस. लेट अस लुक एट वन बाई वन विच आर दोज नेगेटिव फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज़ अ ह्यूमन यूजेज. ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक नेचुरल रिसोर्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, टिम्बर, फ्यूल एक्सेट्रा. हम ह्यूमन बींग्स अपने पर्सनल यूजेज के लिए इनको बहुत ही ईजिली यूज करते जा रहे हैं एंड वी टेक दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ग्रांटेड, जिसकी वजह से उनकी क्वान्टिटी डे बाई डे कम होती जा रही है. द नेक्स्ट वन इज़ अ कलोनियल रूल. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आईं, बट उन चीज़ों और इन्वेंशन की वजह से द क्वान्टिटी ऑफ द फॉरेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ रिड्यूस्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड का उपयोग होता गया, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट्स हैव रिड्यूस्ड. द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल लैंड. ड्यूरिंग 1980s एंड 1970s अराउंड 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. ये सारी फॉरेस्ट लैंड, ये सारे फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट
करते जा रहा है, जिसकी वजह से मेजर डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. देर आर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट कम अप. फॉर एग्जाम्पल द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है, इसकी वजह से 40,000 एकर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड यूज हुआ था. द नेक्स्ट वन विल बी द बक्सा टाइगर रिजर्व. माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से ये बक्सा टाइगर रिजर्व एक थ्रेट बन चुका था. सो दीज आर द वेरियस नेगेटिव फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन स्पीशीज को एंडेंजर्ड या एक्सटिंग बनाने के लिए. टू फर्दर कंटिन्यू द डिस्कशन, ये सारी प्लांट्स और एनिमल्स एक वाइटल रिसोर्स है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग ह्यूमन बींग्स. नाउ विलेजेस में विमेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर, वुड और फ्यूल को लाने के लिए. उनको कई किलोमीटर्स चलना पड़ता है इन सारी चीज़ों को अटेन करने के लिए. बट बिकॉज इन सारे ऊपर नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से द फॉरेस्ट लैंड इज रिड्यूसिंग, वुमेन्स को और 10-15 किलोमीटर चल के दूर जाना पड़ता है इन सारी चीज़ों को लाने के लिए. बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज दे हैव टू वॉक मोर फादर टू अटेन देयर नेचुरल लाइवलीहुड. इस रीज़न की वजह से सीवियर डिजीजेस होते जा रहे हैं वुमेन में एंड द हेल्थ डिटोरिएट्स ऑफ द विलेज वुमेन. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. द बेसिक एम ऑफ दिस कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इज टू मेक श्योर दैट जो भी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड है उनको और कैसे प्रिजर्व किया जाए ताकि वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाए. ड्यूरिंग 1970s एंड 1960s द कंजर्वेटिव्स उन्होंने प्रेशराइज किया था कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम निकाला जाए जिससे इन प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सके. उसी के बेसिस पे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया था इन 1972. द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू रिमूव न्यू वेज एंड इम्प्लीमेंट न्यू वेज जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. इन 1973 द फेमस टाइगर प्रोजेक्ट वॉज रिमूव्ड. इस प्रोजेक्ट के अंदर सब जगह टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था. इसी के बेसिस पे एक ऑल इंडिया लिस्ट भी बनाई गई थी जिसमें उन सारी स्पीशीज और एनिमल्स के नाम थे जो एंडेंजर है या वल्नरेबल है और जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस एनिमल ट्रेडिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग एंड हंटिंग पे भी बैन लगाया गया था. द गवर्नमेंट मेड श्योर दैट दीज एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड जिसकी वजह से उनका प्रोटेक्शन और ईजिली हो सके. बाई 1980s ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया था. बाई 1991 द वेरी फर्स्ट प्रोटेक्शन फॉर द प्लांट्स हैड कम आउट. तो इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोग्राम्स निकाले हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट कर सके. अब चैप्टर की अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ अ फॉरेस्ट. ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग एक साथ मिलकर इतने बड़े वास्ट फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व नहीं कर सकते. इंडिया में फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड ईदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. बेस्ड ऑन दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस फॉरेस्ट लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आइए देखते हैं वो कौन सी है. द फर्स्ट कैटेगरी इज अ रिजर्व कैटेगरी. आधी से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है एंड दैट इज़ ऑल्सो सेट टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट. इसको यूज़ करना या इसको काटना ऑलमोस्ट इलीगल है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1/3 लैंड फॉरेस्ट लैंड को इस कैटेगरी में ऐड किया है. रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड दोनों साथ में परमानेंट फॉरेस्ट में आते हैं. परमानेंट फॉर द यूजेज ऑफ टिम्बर, वुड एंड एक्सेट्रा. The third and the last category is the unclassified category. The land जो individual या government से protected नहीं है या जो reserved या protected में included नहीं है वो unclassified category में आते हैं. मध्य प्रदेश has the largest area of this unclassified category.
कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले सेक्शन में कि कैसे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल एक साथ होके अलग अलग प्रोजेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशंस करती हैं जिससे कि इस वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके, जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस में एक बैलेंस मेंटेन रहे। उसी तरह कई जगहों पे सेवरल कम्युनिटीज कम टुगेदर एंड ट्राई एंड प्रिजर्व दिस वाइल्ड लाइफ। वेरियस एग्जाम्पल्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ये रिजर्व ने आंदोलन किया था अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटी। द सेकेंड वन द चिपकू मूवमेंट, ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है जो हिमालय में हुआ था। ये आंदोलन किया गया था डिफॉरेस्ट्रेशन के खिलाफ। इसमें सारे लोग एक साथ मिल के पेड़ के आजू बाजू आके उसको हग करके खड़े हो गए सो दैट पीपल आर नॉट एबल टू कट इट। द लास्ट वन इज द तहरी प्रोजेक्ट, इसमें आंदोलन हुआ था केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक केमिकल्स के अगेंस्ट। आपको पता ही होगा कि फार्मिंग में बहुत से केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि स्मॉल इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स उनको ना खा पाए, बट उसी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारे कम्युनिटी और जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं ये बताते हैं कि अगर हम एक साथ मिलके चाहें तो इस वाइल्ड लाइफ और इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज ऑल्सो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, वहाँ पे 3000 एकर्स ऑफ लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय सेवरल इंडिविजुअल पीपल टुगेदर। इन लोगों के अपने एक अलग कायदे कानून हैं जो कि गवर्नमेंट से बहुत ही अलग है, और वो ये कोशिश करते हैं कि इस लैंड को एक साथ मिलकर प्रोटेक्ट कर सके। सो दैट्स ऑल माई फ्रेंड्स फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।